और बच्चों के स्वास्थ्य का एक गहरा असर पूरे परिवार पर होता है। वो कहावत आम है कि अगर घर की महिला बीमार तो बीमार सारा परिवार। पूरी तरह अध्ययन करके हमने बुनियादी तौर पर तीन मुद्दों को पहचाना है। पहला, बहुत नजदीक। दूसरा, बहुत ज्यादा। और तीसरा, बहुत जल्दी। डॉक्टर स्नेहा, आप इस बात को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती हैं? जी, देखिए, बहुत नजदीक यानी दो बच्चों के जन्म के बीच का अंतर। हमारे देश में 59% महिलाओं के पहले और दूसरे बच्चे के बीच का अंतर 36 महीनों से कम है, जबकि ये कम से कम 3 साल होना ही चाहिए। नहीं तो इसका बहुत बुरा असर पड़ता है माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर। इसे कहते हैं बहुत नजदीक। और ये बहुत ज्यादा यानी बहुत ज्यादा आबादी। हमारे देश के 14% बच्चे ऐसे हैं जो अपने परिवार के चौथे या उससे भी ज्यादा नंबर की संतान है। यानी हर 7 में से एक बच्चा ऐसा है जो अपने परिवार का चौथा बच्चा है, जिसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है बच्चे की देखरेख पर। इसे कहते हैं बहुत ज्यादा। और बहुत जल्दी, ये हम सबके लिए बहुत दुख की बात है। हम अपनी लड़कियों का बचपन छीन कर उन्हें माएं बना रहे हैं। लगभग 8% लड़कियां हमारे देश में गर्भावस्था में हैं। इनमें से 5% अपने बच्चे को जन्म दे चुकी हैं, या फिर 3% की कोख में उनका पहला बच्चा पल रहा है। इसे कहते हैं बहुत नजदीक। फिर तो कुपोषण को माल न्यूट्रिशन को खुला न्योता देने जैसा हो गया। Exactly. अगर हमारी बच्चियां ही बच्चे पैदा करेंगी तो ये खतरा तो होना ही है। और एक सच ये भी है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वे यानी NFHS-4 के अनुसार हमारे देश में 1.29 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो 2 बच्चों के बीच अंतर रखना चाहती है। तो फिर वो अंतर रख क्यों नहीं पाए? इसके 2 पहलू। पहला ये कि गर्भ निरोधक के विकल्पों का ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं है, या फिर ये उनके लिए उपलब्ध नहीं। और दूसरा ये कि गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, ये फैसला उनके लिए अक्सर उनके परिवार के अन्य सदस्य जैसे कि सास या पति लेते हैं, पर उसका गहरा असर माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। कैसा असर? जान का भी जोखिम है। हमारी 1 लाख में से 130 महिलाएं ऐसी होती हैं जो गर्भावस्था के दौरान मृत्यु को प्राप्त होती हैं। हर 1,000 में से 39 बच्चे अपने जन्म के 5 साल के भीतर ही मर जाते हैं। गर्भ निरोध के विकल्पों में नसबंदी का क्या योगदान है? अगर सभी आंकड़ों को मिला लिया जाए तो महिला नसबंदी की मात्रा 75%। सबसे पहले तो इस मामले में समानता लाने की जरूरत है। पर ऐसा क्यों मानती आप? वो इसलिए क्योंकि महिलाओं को नसबंदी का विकल्प सिर्फ तभी चुनना चाहिए जब उन्हें आगे कोई बच्चा पैदा ना करना। और फिर आज के जमाने में IUD यानी कॉपर्टी, गोलियां और इंजेक्टेबल्स यानी सुई जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं, जो कि शायद उनके लिए ज्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं। डॉक्टर स्नेहा, आपका ये सुकून? मेरा नहीं, प्रतापपुर का सुकून। ओह सॉरी, मेरा कहना है कि ये एक बिग आइडिया है, लेकिन इसका आयोजन एक छोटे से गांव में क्यों? क्योंकि यहीं पर इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इलाज को वहां पर होना चाहिए जहां पर मरीज हो। ओह, तो ये कारण है सुकून का? बिल्कुल। देखिए, साधन का होना और उसका उपलब्ध होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, खास करके हमारे गांवों में। मतलब ये कि हमें मरीज को साधन तक नहीं लाना है, बल्कि साधन को मरीजों तक पहुंचाना है। डॉक्टर स्नेहा, आप ये बता सकते कि आप ये काम कैसे करने वाली हैं? जी बिल्कुल, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, आशा, ANM कार्यकर्ता, ये सभी सिर्फ स्पेशलिस्ट नहीं है, ये हमारा प्रचार विभाग है। ये गांवों में लोगों तक जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि उन सभी तक
सुकून को पहुंचाएंगे।